कोलकाता के वार्ड नंबर 61 के बेडफोर्ड लेन में वार्ड कोऑर्डिनेटर मंजर इकबाल के नेतृत्व में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं का फॉर्म भरा गया। मंजर इकबाल ने कहा है कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में तमाम देशवासियों की चहेती बन जाएंगी। द्वारे सरकार कार्यक्रम के तहत कोलकाता की वार्ड नंबर 61 के बेडफोर्ड लेन में वार्ड कोऑर्डिनेटर मंजर इकबाल के नेतृत्व में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं का फॉर्म भरा गया। इस दौरान मंजर इकबाल ने कहा है कि मां माटी मानुष की सरकार महिलाओं के लिए समर्पित है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में तमाम देशवासी के लिए चहेती बन जाएंगी। वहीं इस मौके पर वार्ड नंबर 61 के टीएमसी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अजहर इकबाल ने अभिषेक बनर्जी को ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर कहा है कि ये बीजेपी की राजनीतिक तौर पर दिवालियेपन का सबूत है। चुनाव में हार के बाद बीजेपी के लोग गायब हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतरकर लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। चल रहा है और ये जो लक्ष्मी भंडार है इसको लोगों ने हाथों हाथ लिया है और काफ़ी औरतें जो है लक्ष्मी भंडार में आ रही हैं, बाकायदा लाइन दे के आराम से अपना काम करवा रहे हैं। अब तक 100 फॉर्म लास्ट जब हम लोग किया था इससे कबल तो 1100 फॉर्म गया था लक्ष्मी भंडार से। इस बार अभी एंड होगा तो पता चलेगा कितने गया। सभी यहाँ पर 13 का 13 स्कीम है जो सब आपको वोट के शक्ल में नज़र आएगा। सिर्फ बैंकिंग वाला आज नहीं आ सका है, वो 6 तारीख को आएगा, 6 या 14 को वो रहेगा। लक्ष्मी भंडार के लिए क्या क्या शरायत है? कोई ख़ास उसमें नहीं है। आपका लक्ष्मी भंडार के लिए आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड होना ज़रूरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है और एज जो है 25 से ऊपर होना ज़रूरी है, 25 से 55 तक। इसलिए कि 55 के बाद जो 60 आता है तो ओल्ड एज में चले जाता है, तो ओल्ड एज का अलग फॉर्म मिल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मिस नहीं हो रहे, सभी का हो रहा है। अभी भी चार नहीं बचा है लेकिन लक्ष्मी भंडार हम लोगों ने क्लियर कर दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये 61 नंबर वार्ड के लोगों का जितना भी आप तारीफ करें कम है। ये लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, आके आराम से लाइन लगा रहे हैं, क्यू बना के आराम हंस खेल रहे हैं। अगर आप 2 घंटे पहले कवर आते तो आप देखते हैं कि लाइन में सब लड़की हैं, औरतें हैं, सब हंस रही हैं, आपस में गप सप कर रही है। पानी और चाय का अरेंजमेंट है उन लोग के लिए, उन लोग को मिल रहा है, उन लोग पी रही हैं। अब बहुत शांतिपूर्ण यहाँ पर हो, शांतिपूर्ण यहाँ पर होगा। अभी ऐसा कोई खबर नहीं आ गई किसी से कोई झमेला हुआ या कुछ हुआ। ये हम बोल नहीं सकते, वो हम तो जाके देखा नहीं है। ये अफवाह भी लोग उड़ाते हैं कि वहाँ झमेला हुआ, वहाँ ये हो गया। वैसे इसमें झमेला का कोई सवाल ही नहीं आता। अगर लोग अपने अपने इलाकों को लोगों को समझा दें, आप हम लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन है, हर पार्ट में लीडर है, वर्कर है, वो ये लोग अपने अपने पार्ट में अगर समझा के भेजेंगे तो कोई झमेला का सवाल नहीं होता। आप लोग यही चीज़ नहीं समझते, सम्मन जारी करने का माने कोई आसामी नहीं हो जाता। क्या लगता है बदले की राजनीति है? वो तो चलता रहेगा, जब तक मोदी सरकार रहेगा वो चलता रहेगा। उसको हम लोगों को लड़ के मुकाबला करना होगा और मुकाबला करके जीतना होगा। जैसा 2021 में हराया गया है उसी तरह हर फील्ड में उसको हम लोग नाकाम बनाएंगे और इंशाल्लाह चाह तो हम लोग उसको हिंदुस्तान में भगाने में सबसे अहम रोल जो होगा वो ममता बनर्जी का। अभी भी कायम है। किस तरह वैसी बोलते हैं? वो वैसी इसलिए बोला जाता है कि उसका लफ्जी माने होता है कि वो क्या करता है कि आप वोट को लूटता है, मुसलमानों को धोखा देता है, फरेब देता है और मुसलमानों को चकमा दे के उनका वोट को चोरी करता है। इस हिसाब से वैसे ही हुआ, ये इंसान का काम नहीं है। अगर सही मुसलमान जो होगा वो सही जगह वोट देगा और अपने समझदारी से देगा, किसी के बहकाने से नहीं देगा। ये जिस तरह बिहार में किया, ये सोचा था कि हम बंगाल में भी कर देंगे, लेकिन बंगाल के लोगों ने जब मोदी को नहीं बख्शा तो वैसे क्या थी। वासी होने के नाते हम सब आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद है तहे दिल से शुक्रगुजार है हमारे वज़ीर आला श्रीमती ममता बनर्जी का, जिन्होंने द्वारे सरकार के माध्यम से लोगों के घर घर तक ये स्कीम जो लक्ष्मी भंडार हो, स्वस्थ साथी हो, कन्याश्री हो, रूपाश्री, ये सारा स्कीम लोगों के घर घर तक पहुँचा रहे हैं द्वारे सरकार के माध्यम से, तो हम सब उनका शुक्रगुजार हैं। इसका रीज़न सबसे पहले हम देंगे जो 61 वार्ड के रहने वाले निवासी को, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग काफ़ी कॉपरेट कर रहे हैं हम लोग को, और हम लोग के वॉलेंटियर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोगों को अगर दुश्वारी हो रहा है फॉर्म फिलअप करने में तो हमारे वॉलेंटियर हर कैंप में मौजूद है, वो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं।
हर सारा स्कीम का अलग अलग कैंप बिठाया गया है, इसलिए यहाँ पे काम काफ़ी अच्छे से हो रहा है, लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। देखिए नौजवानों ने हमेशा साथ दिया है और ये क्योंकि काम है लोगों के तक पहुँचना, लोगों के साथ रहना, तो अगर ये काम में अगर नौजवान अगर मौजूद रहते तो लोगों का काम और अच्छे से हो सकता है। लोगों के वो लोग पास में खड़े हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लोगों को अगर किसी किसी में दुश्वारी हो रहा है, यहाँ पर चाय का काम ये किया गया, इंतज़ाम यहाँ पे पानी है, यहाँ पे आज खाने का इंतज़ाम भी किया गया है हमारे वार्ड कोऑर्डिनेटर जनाब मंजर इकबाल साहब के तरफ से, तो लोगों का काम काफ़ी अच्छे से हो रहा है। देखिए यही तो हमारा डेमोक्रेसी है, कोई भी काम हो, ये इतना बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, हमारे पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा, द्वारे सरकार माने सरकार आपके दरवाजे में, तो सरकार जब आई है इतना सारा योजना और अपने स्कीमों का आपके एरिया में चलकर, खुद सारे हमारे नवोन्य के ऑफिसर यहाँ मौजूद है, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर मौजूद है, तो लोगों भी बढ़ चढ़ कर आए हैं कि योजना का लाभ कैसे ले, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ त्यौहार बन रहा है, एक फेस्टिवल बन रहा है। एक सियासी सवाल करेंगे आपसे, कुछ देर पहले अभिषेक बनर्जी उनकी वाइफ को ईडी ने दिल्ली में समन जारी किया। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ा अदालत है जनता की अदालत, ईडी तो आप जान रहे हैं किसकी कठपुतली बनी हुई है, बीजेपी सरकार, सेंटर सरकार, जो मोदी और अमित शाह वो लोग को डायरेक्शन करते हैं ईडी वही करते हैं, और अभी बीजेपी वो सबसे ज़्यादा भय पाई हुई है ये हमारे तृणमूल कांग्रेस, हमारी नेत्री ममता बनर्जी से और हमारे यूथ आइकॉन बंगाल के अभिषेक बनर्जी से, और ईडी ने उन्हीं लोगों के इशारे में आज ये कह रहा, बंगाल की जनता ने ये फैसला सुना दिया इलेक्शन के करीब, इलेक्शन के टाइम भी आपने देखा होगा कि किस तरह ईडी, सीबीआई, सारे सेंट्रल एजेंसी ने यहाँ पे आकर उद्यम किया और यहाँ पर हमारे टीएमसी नेता को, टीएमसी लीडरों को परेशान किया, पर 2 तारीख के बाद जो लोगों का जो जनता दरबार होता है, 2 तारीख को बंगाल के आवाम ने यह फैसला सुना दिया है कि वो लोग ममता बनर्जी के साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे, तो इसलिए ईडी और सीबीआई से अब अभिषेक बनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरे आवाम उनके साथ है, थी और रहेगी। क्या लगता है ये बदले की कार्रवाई हो रही है? जी हाँ यकीनन, ये तो बदले की राजनीति, जिस तरह 2 तारीख को बंगाल के आवाम ने दीदी का, तृणमूल कांग्रेस का और अभिषेक बनर्जी का साथ दिया, तो वो जान रहे कि अब वो परेशान कर रहे हैं, जिस तरह तृणमूल आगे बढ़कर, तृणमूल कांग्रेस हमारे पार्टी त्रिपुरा में अपना संगठन ये कर रही है, बना रही है, ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, तो वो लोग इससे डर रहे हैं कि अब आने वाले 2024 में वो लोग जान चुके हैं कि दीदी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाली है, इसलिए अभी से दीदी का पीछे लग जाओ, दीदी को थोड़ा डिस्टर्ब करो, पर ये याद है कि हमारे पार्टी का चिन्ह है तृणमूल जोड़ा फूल जो घास के ऊपर है, जोड़ा फूल, घास आप जितना भी काटिएगा उतनी जल्दी वो बढ़ते रहेगा फूल, तो हमारे और ये सबसे तृणमूल कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग आगे और बढ़ेंगे। ममता बनर्जी के 2024 में पीएम की कैंडिडेट लग रही है आपको? जी हाँ यकीनन, पूरे बंगाल ने ये साबित कर दिया कि दीदी आप आगे बढ़ो, पूरे बंगाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान आपके साथ है, और एक अपोजिशन लीडर होने के नाते मैं समझता हूँ पूरे इंडिया में ममता बनर्जी का नाम अव्वल नंबर पे, अव्वल दर्जे पे उनका नाम है, और 2024 में वो एक नंबर में दावेदार रहेंगी पीएम कैंडिडेट की।